ज़िंदगी पॉजिटिव है, ये वर्डिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है और इससे एक अलग सा अनुभव होना शुरू हो जाता है लाइफ में। ऐसे प्यारे बच्चे, छोटे से बच्चे जो ज़िंदगी को सीखना शुरू करने वाले हैं और यहाँ आके देखा बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये नन्हे मुन्ने पौधे। पौधे मतलब कि अभी इनकी एज जो है बहुत छोटी है और ये आए हैं हम रंजीत स्कूल में और आइए दिखाते हैं आपको ऐसे बच्चों को पढ़ते हुए। मैम पढ़ा रही है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, खूबसूरत से बच्चे, ज़िंदगी की नई राह को चुनते हुए ये बच्चे और ना जाने आगे ज़िंदगियों में कितने बड़े बड़े बोझ उठाने वाले हैं। कहते हैं बचपन जो होता है बहुत प्यारा होता है, ये बचपन सुकून देता है। अभी इनको कुछ नहीं मालूम कि आगे ज़िंदगी के कितने बोझ इनके ऊपर लदने वाले हैं इनके कंधों पे। आइए दिखाते हैं इनकी मासूम सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी। क्या नाम है आपका? अर्पिता। अर्पिता क्या पढ़ रहे हो? अर्पिता पढ़ के बताओ। स्कूल आना अच्छा लगता है अर्पिता आपको? मजा आता है स्कूल आके? कैसा लग रहा है स्कूल आने के बाद? अच्छा लग रहा है। एक और प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा स्माइल देते हुए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम था ओरिवियन था, मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे? हाँ। आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? हाँ। कैसा लग रहा है आज यहाँ पढ़ाई करते हुए? मैं पढ़ाई करता था मैं। जब छुट्टियाँ थी घर पे रहते थे आप सारे बच्चे, तो आपको सोना अच्छा लगता था या आप सारे बच्चे स्कूल को मिस करते थे? स्कूल को मिस करते थे। टीचर्स की याद आती थी? बताओ। यस। बताओ ना। यस। याद आती थी। अभी मिलाते हैं इनकी प्यारी सी टीचर से। मैम, जब से ये स्कूल ओपन हुआ है बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, कैसा फील हो रहा है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है या बच्चों में नींद आती है जैसे वो आदतें खराब हो चुकी थी? बहुत अच्छा लग रहा है और एक्टिव है। तो छुट्टियों की वजह से बच्चों को थोड़ा सा पड़ा था फर्क, बट अब स्कूल आने से हमें भी अच्छा लग रहा है। स्कूल आने से ऐसा लग रहा है जिंदगी फिर से शुरू हो गई। जी मैम, तो खूब मस्ती करते हैं बच्चे, एंजॉय भी करते हैं। आइए चलते हैं एक और नई क्लास में। छोटे छोटे गुलदस्ते यहाँ पे, ढेरों गुलदस्ते भरे पड़े हैं, अलग अलग चेहरे। कहते हैं स्कूल एक ऐसी जगह है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग, हर कम्युनिटी के बच्चे यहाँ रहते हैं। जात पात से कोसों दूर, मन मुटाव से कोसों दूर, इनको कुछ नहीं मालूम आगे ज़िंदगी में क्या बनने वाले हैं बड़े होके। अगर मालूम है तो सिर्फ यही एक दोस्ती का व्यवहार जो यहाँ आके सिखाया जाता है बच्चों को। ओपन योर माउथ, हा हा हा। जब से हम पैदा हुए हैं ये सब पोइम हमें भी सिखाई जाती थी। और ये 3 साल के बच्चे अभी नया नया स्कूल ज्वाइन किया है, कोई सो रहा है, कोई खिलखिला के पढ़ रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई टीचर की तरफ ध्यान से देख रहा है कि आज यहाँ क्या हो रहा है। नाम क्या है आपका? नाया। नाया, कितनी खूबसूरत सी स्माइल नाया की। क्या कर रही है नाया? पढ़ाई कर रहे हो? देख रहे हो आप प्यारे बच्चे मासूमियत से भरे हुए। आइए दिखाते हैं कैमरा में इन बच्चों की मासूम सी शक्लें, जो इतनी उम्र से भी बड़ी बड़ी किताबें सामने रखी हैं। पर इस स्कूल का एक मैंने देखा है, इस स्कूल में इतना बोझ नहीं डाला जाता बच्चों के ऊपर, घर जैसा फील कराते हैं यहाँ पे। और जब बच्चों को नींद आती है तो सुला भी देती हैं टीचर्स। यहाँ के टीचर्स में बहुत प्यार ममता भरी पड़ी है, अपनापन भरा पड़ा है, इसीलिए तो बच्चे स्कूल आना पसंद करते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या पढ़ रहे हो आप? पढ़ रही हूँ।
पढ़ रहे हो? लाइन खत्म। लाइन लिख रहे हो? आपको लाइन लिखना आता है? टीचर चुमा से भड़कर होती है, क्योंकि बच्चे जब आते हैं स्कूल पढ़ने के लिए तो माँ जैसी ममता बिखेरने वाली टीचर गुरु। आइए बात करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं आपकी क्लास में। बहुत छोटे छोटे हैं ये, इनको संभालना थोड़ा होता है, बट बड़े प्यार से पढ़ लेते हैं। इनको पता है हम स्कूल आए हैं, थोड़ा हमें टेबल मैनर्स के लिए बड़ा, मतलब कि बड़ा कर लेते हैं। घर से भी इनको थोड़ा होता है कि आप स्कूल जा रहे हो, मदर भी इनको सिखाती है, यहाँ हम भी इनको सिखाते हैं, बट ठीक है, कर लेते हैं ये छोटे छोटे। अभी इनको जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया नोटबुक्स, बट ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखा आपकी क्लास में बच्चे बड़े खुश हैं। हाँ मैम, बड़े खुश हैं। खूबसूरत स्माइल का राज है मैम, प्यार है बच्चों के। मैं इनके साथ खुद भी खेलती हूँ, मुझे भी मौका मिल जाता है इनके साथ खेलने का, और ये मेरे साथ खुद से खेलते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। क्योंकि घर में हमें इतना टाइम नहीं होता, काम 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 बिजी रहते हैं, तो यहाँ आके थोड़ा इनके साथ भी मौका मिल जाता है खेलने का। बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बन जाती हूँ। एक पोईम गा के जरा सुनाइए ना बच्चों के साथ। मैम चलिए मेरे साथ राइम्स बोलेंगे हम, जॉनी जॉनी सब बोलेंगे, और स्पीक लाउडली, ओके। Johnny, Johnny, yes, yes papa. Papa. Eating sugar, no, no papa. Papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth, ha ha ha. बैठी है खूबसूरत सी शख्सियत, नाम है बलजिंदर कौर, और एक प्यारा सा स्कूल कि इनॉग्रेशन पे इन्होंने मुझे एक बार बुलाया था, तो सोचा चलिए आइए आज मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी से। मैम वेलकम करते हैं सी एन न्यूज़ में आपका, और जानना चाहेंगे ये ख्वाब कैसे देखा इतना प्यारा सा स्कूल ओपन करने के लिए। संध्या जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस विद्या के मंदिर में, जिसे हम रंजीत ग्लोबल स्कूल के नाम से जानते हैं, आप भी पूरी सोसाइटी में। और रही आपके सवाल की बात, तो मैम ऐसा है कि जो मेरी बैकग्राउंड है, मेरे मायके वाली साइड से वहाँ मेरे फादर मदर दोनों टीचर थे जी, और जब शादी करके इस घर में आई तो यहाँ भी मेरे मदर इन लॉ वो भी टीचर थे जी, जी, और जो फादर साहब थे वो पुलिस में रिटायर्ड है वो जी, तो जी, एक मतलब कहते हैं ना कि ये स्टार्टिंग से ही आपकी कुछ घर से बैकग्राउंड होती यस, है यस, उसका जो मतलब एक माहौल रहता है घर का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल था कि मतलब मेरा एक सपना था कि जैसे मामा के साथ स्कूल जाना, वहाँ बच्चों को देखना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, फिर खुद जब हम स्कूल जाते हैं। मैंने मैम देखा है आपके चेहरे पे बड़ी मासूमियत है, और जब भी मैंने अभी आपको स्कूल में बैठे हुए देखा था, तो मैंने देखा छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देख के आपके चेहरे में एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है, और ऐसे लग रहा था कि ये बच्चे दूसरों के बच्चे नहीं है, आप ही के बच्चे हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हो? जी जी मैम, ये तो बहुत आपने एक ज़रूरी बात मेरे से पूछी, क्योंकि बच्चों के साथ अगर आपको डील करना है तो आपको उनके लेवल पे ही आना पड़ेगा। जो बच्चों की मासूमियत है आप उसको समझना है तो आपको अपने अंदर मासूमियत लानी ही पड़ेगी, और मेरा ये आप कह सकते हैं गॉड गिफ्ट है कि मेरे में ये मासूमियत, ये क्वालिटी बाय बर्थ ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी मैम। आपके खुद के दो बेटे हैं जी मैम जी, दो बच्चों के होते भी आपने हजारों बच्चों की माँ बनने का जो फैसला किया, और रंजीत ग्लोबल स्कूल जो आपने ओपन किया, आज मैं देख रही थी कि बच्चे रो रहे थे कि हमें घर नहीं जाना है। बाकी स्कूलों में मैं देखती हूँ कि बच्चे रोते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, एक आपका स्कूल है जिधर बच्चे रो रहे थे कि हमें घर नहीं जाना है, ऐसा क्या जादू बिखेरा है आपने बच्चों के साथ? मैम देखिए संध्या जी, यहाँ जादू की बात तो नहीं है, हमारा करिकुलम हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है कि हमने ज़्यादा बर्डन नहीं डाला बच्चों पे, चाहे वो उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्टडी बेस्ड है, कुछ भी, तो हम उन्हें लिंक करते हैं नेचर के साथ। जैसे ही हमारी टैगलाइन है स्कूल की, ऑल लर्निंग लिंक टू नेचर, तो हम उन्हें कुदरत के साथ जोड़ते हैं, और मेरी ये टीचर्स को रहती है हमेशा ये हिदायत कि आप बच्चों को प्यार से पढ़ाइए, बर्डन नहीं देना है, ज़्यादा होमवर्क नहीं कराना है, जहाँ बच्चा बोले कि स्टॉप अब मैं नहीं कर सकता तो बच्चे को बर्डन मत दीजिए, जैसा है तो वैसे ही वहीं पे। मैम मैंने आपकी टीचर्स के अंदर भी वो भावना देखी है जो आपके अंदर है, तो क्या आप उनको शिक्षा देती हैं पहले अपनी टीचर्स को भी कि बच्चों के साथ आपने कैसे बिहेव करना है,
उनके साथ कैसे माँ की तरह रहना है ताकि बच्चों को घर जैसा फील हो। मैम हमारे हर सैटरडे को एक छोटी सी वर्कशॉप होती है टीचर्स के साथ, जिसमें ये नहीं कि मैं एज ए प्रिंसिपल उनको गाइड करती हूँ, मैं टीचर्स को भी पूरा मौका देती हूँ कि अगर मेरे में कुछ खामियाँ हैं तो आप मुझे सिखाइए, अगर आप में कुछ है तो मैं आपको सिखाऊँ। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है टीम वर्क की तरह हम एक काम करते हैं। क्या बात है। मैं देख रही थी जब मैं आ रही थी वहाँ से आपके कॉरिडोर से, तो बड़े सारे बच्चे आपको माँ माँ बुला रहे थे। जी कैसा जी, फील होता है ये माँ वर्ड जो है सुनने मुझे लगता है इस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स तो मेरे पास नहीं है, बट एक बहुत स्पेशल सी फीलिंग होती है जो आई डोंट थिंक सो मैं आपको बता सकती हूँ इन वर्ड्स में। ये थी मैम रंजीत ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल और बहुत ही प्यारी सी शख्सियत। इनसे मिलने का मौका जब भी हमें मिलता है तो एक अलग सा अनुभव होने लगता है, बहुत कुछ हम भी इनसे सीख के जाते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर और बहुत ही प्यारी सी शख्सियत है, बहुत ही प्यारा सा ओरा है। ऐसे ही मैम आप मुस्कुराते रहिए और जल्दी फिर से कभी मौका मिलेगा तो आपसे फिर से मुलाकात ज़रूर करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज हम आए हैं रंजीत ग्लोबल कॉलेज में। आते ही एंट्री करते ही एक खूबसूरत सी शब्दवाणी का आगाज़ हमारे कानों तक पहुंचा। वाहेगुरु जी की वो वाणी, वाहेगुरु जी का वो संगीत जब कानों में पहुंचता है ऐसा लग रहा था कि एक मंदिर में प्रवेश कर लिया है। और जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो एक प्यारी सी शख्सियत डॉक्टर मनमीत सिंह यहाँ बैठे हुए मिलते हैं, जो यहाँ कॉलेज के ऑनर हैं और एक अलग सा ओरा है इनके अंदर। और ये शख्सियत तभी बन पाती है जब माँ बाप के संस्कार इनके अंदर आ गए थे। इनकी मदर ने 65 में एक ऐसे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब किया और अपना जो है पूरा इनिशिएटिव जो समाज को दिया और उनके हाथों से ना जाने अनगिनत बच्चे आज क्या क्या ऑफिसर बन चुके हैं। वही काम किया डॉक्टर मनमीत सिंह ने और उन्होंने भी अपने कॉलेज में ना जाने कितने ऐसे बच्चों को एजुकेशन दी और हर कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं कॉलेज स्कूलों में। और यहाँ पे आइए मिलाते हैं डॉक्टर मनमीत सिंह से और जानते हैं इनके बारे में। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपका और जानना चाहेंगे कि ये जो स्कूल आपने, कॉलेज आपने स्टार्ट किए, ये आपने कब किए और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं आप, कैसा फील हो रहा है आपको? सबसे पहले सीएन टीम को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों ने समय से अपना बेशकीमती समय निकाला और इस संस्था में, जैसे आपने अभी कहा, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, आपने भी कहा गुरबानी की बात है। मैम मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी विडम्बना ये लोग है कि हमारा जो जन्म होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता, ना हम उस ऊपर वाले को दरख्वास्त देते हैं मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़का लड़की चिट्टा काला बनाओ। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम पैदा होते हैं, तो सबसे पहले उस अल्लाह वाहिगुरु का शुक्र अदा है कि उसने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जो पढ़े लिखे थे। मेरी मदर का नाम भी रंजीत कौर है और फादर साहब का नाम भी रंजीत सिंह। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1947 में हमारे दादाजी जो आर्मी में थे, तो ड्यूरिंग एक पेनफुल पार्टीशन जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुआ, उसमें वो शहीद हो गए और मेरी दादी जी ने वहाँ से माइग्रेट करके मेरे फादर साहब के एक छोटे ब्रदर थे जो बीमारी की वजह से वो उनकी डेथ हुई और उस वक़्त रिसोर्सेज ना होने की वजह से उनको रायबाग श्रीनगर जेल में उनका पार्थिव शरीर उस बच्चे का हमें फेंकना पड़ा। तो बहुत सी कठिनाइयों से मेरी दादी जी, फादर साहब और मेरे गुरुजी उठे और डिगैना कैंप में आके वो एज ए माइग्रेट वहाँ पे सेटल्ड हुए। हम लोगों का जन्म हुआ, हम मेरे दो भाई और एक बहन है। तो मेरी मदर, जैसे आपने बात की है, फादर साहब ने अंबाला में बाहर सारी अपनी सर्विसेज दी है, तो मदर मेरे ने आज सरकारी अध्यापिका बन के हमें पाला है और जो संस्कृति मदर ने हमें दी है हमने कोशिश की है कि उसको कैरी ऑन करें। इन बिटवीन मैंने बीएससी किया, बीएससी करके फिर इंजीनियरिंग और आई हैव बीन अवार्डेड डॉक्टरेट इन एजुकेशन। तो मैंने 1989 में एज ए सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में ज्वाइन किया। तो मैंने सोचा नहीं, मैं मुझे ये वन टाइम गेम है, हमारी ज़िंदगी ये वन टाइम लाइफ है, तो इससे बेटर सर्विस करनी है। तो हमने आपस में मदर और फादर ने एक डिसाइड करके
हमने जो जिस जगह पे आप बैठे हैं हमने इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए। पहले हमने डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग सैनिक कॉलोनी से करके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फिर करतार पब्लिक स्कूल कठुआ में, अब रंजीत ग्लोबल स्कूल करके। कहना का मतलब है कि आपने हर जगह अपनी शाखाएं जो हैं वो फैलाई हुई हैं। रीज़न एक ही है कि आप बच्चों को कुछ बड़ा होते हुए देखते हैं तो आपको बड़ा गर्व महसूस होता है। मैंने आपके कॉलेज में एक और चीज़ नोटिस की है कि यहाँ बच्चों में आपने एक तरफ तो एजुकेशन में आपने बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी आपने उनको डाला है। हर फील्ड में आपके बच्चे जो है वो नंबर वन आ रहे हैं, इसके पीछे आप कुछ बताना चाहेंगे? संध्या जी, अगर आप एजुकेशन की डेफिनेशन देखें तो उसमें तीन बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि बच्चा को पहले इंफॉर्मेशन उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको अंडरस्टैंडिंग करना है कि जो मैंने पढ़ा और समझना है, और उसके बाद इंप्लीमेंट करना है। ये तीन पार्ट होते हैं एजुकेशन में। आपने एक चीज़ पढ़ी, कोई शब्द पढ़ा, कोई लेसन पढ़ा, कोई ज़िंदगी का लेसन पढ़ा, उसको समझिए। जब आपने समझ लिया तो उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करिए। जो एजुकेशन की जो आपने बात की है अदर एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे एक एजुकेशन, यहाँ आपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ करनी है, उसके साथ को कुलर कलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है मनमीत सर, आप सब इंस्पेक्टर से भी आपने रिज़ाइन दिया था, क्या ये सच है? उसमें संध्या जी मैंने रिज़ाइन नहीं दिया था, उसमें मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी। अच्छा। 20 साल सर्विस मैंने की है। अच्छा, 20 साल आप एज ए सब इंस्पेक्टर काम कर चुके हैं। उसके बाद मेरी प्रमोशन्स हुई, फिर मैं इंस्पेक्टर बना। तो उसके बाद मैं अपने ऑफिसर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में मुझे, इस डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत डिसिप्लिन दिया, एक्सपोजर दिया, और यहाँ तक मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में रहा, हमारे डीजीज लोग रहे, चीफ सेक्रेटरीज के साथ, एडवाइजर्स के साथ। मैंने सुना है मनमीत सर आपने मीडिया को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है आज तक, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज आप खुद लेते रहे, वो शौक कहाँ से पैदा हो गया आपके अंदर? संध्या जी, ऐसा है कि हम लोगों की एक फितरत है कि हम कुछ ना कुछ करने के लिए हम काम करते रहते हैं। मैं मीडिया की पहले इस पर बात करूँ, मीडिया में चार फैक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं कि एक उस पर आपको आइडियाज़ पे काम करना पड़ता है, आपको फैक्ट्स पे काम करना पड़ता है, पीपल पे काम करना पड़ता है, और इवेंट्स पे काम करना कहीं पड़ता ऐसा है। तो नहीं था कि जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उभरते रहते थे तो आपको लगा कि क्यों ना मैं खुद ही वो क्वेश्चन का आंसर सबसे ले लूँ, ये भी रीज़न हो सकता है? हाँ, एक आपका मैं बिल्कुल कुछ ऐसी हकीकत आपके मन में आती होगी, बात की हकीकत की बात आती है तो आपके मन में एक जागरूकता पैदा होती होगी, तो लगता होगा आपको कि क्यों ना वो क्वेश्चन के आंसर मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा सोसाइटी से, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका ये तो एक पार्ट है, ये दिस इज़ ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द रीज़न। लेकिन मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा, मीडिया पे लक्षण लगते रहते हैं कि ये बायस मीडिया करते हैं, कोई किसी के पार्टी के साथ जोड़ देते हैं। तो मीडिया बेसिकली, मीडिया की जो जिसको हम कहते हैं ये फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, मीडिया को बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर चलना पड़ता है। यहाँ तक मैं नेशनल और या अपनी स्टेट लेवल की यूटी की बात करूँ, यहाँ जो मैक्सिमम मीडिया वो सिर्फ पीपल तक स्टॉप है। आप देखिए लोगों के पास जाते हैं ना, वो फैक्ट्स पे काम करते हैं ना, वो आइडियाज़ पे काम करते हैं, अगर इवेंट्स पे करते हैं। तो यहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमारा दिशा टीवी हुआ, आई वाज ब्यूरो चीफ ऑफ दिशा टीवी फ्रॉम J&K। क्या बात है। तो काफ़ी इंटरव्यू वहाँ किया और इससे भी मैंने सीखा है। तो मेरा ये मानना है कि टिल डेथ यू आर ए लर्नर। एक इंसान के अंदर बहुत सारी शख्सियत छुपी हुई है, वो है डॉक्टर मनमीत सिंह। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक मड हाउस बनाया है, मैं 2-3 बार जब भी आपसे मिलने आई और मैंने आपको वहाँ पे एक योगा करते हुए देखा, मेडिटेशन करते हुए देखा, वो उसकी खूबसूरती का बखान आप कर सकते हैं क्या? संध्या जी, हम लोगों की विडम्बना ये है, जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, हम लोगों ने अपने आप को किसी ने किसी पार्टी के साथ कनेक्ट किया है, किसी ने किसी को साथ कनेक्ट किया है। हम लोगों का जो एक कनेक्शन है ना, जैसे आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, हम सब का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है कुदरत, बिल्कुल नेचर। जिस दिन मुझे ये समझ आई, और जो मेरा जन्म है वो भी एक जुगी मड हाउस टिकाने में हुआ है। तो यहाँ तक मेरा जन्म, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर अमन, उनका भी
जन्म जो है वो एक झुग्गी में हुआ है, एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न है जो हमारा स्कूल है, जो हमारा ट्रस्ट का एक लोगो है कि वो रोड की ऑल लर्निंग लिंक टू नेचर एंड एक्सलेंस इन लाइफ। जिस दिन हम कुदरत को सामने रख के ये सोचें जो भी हमारे पास आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये उस कुदरत वाहिगुरु के बच्चे हैं, अगर उस नज़र से हम देखें जो ये स्टर्टिफिकेशन की बात होती है या जो लोग बट गए हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख स्टर्टिफिकेशंस कोई शेड्यूल कास्ट, तो इन चीज़ों को दरकिनार करके मैंने ये कोशिश की है कि हम जो जितना भी बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ वो नेचर को ना भूलें। तो ये जो मड हाउस है जो हमारा, ये एक जिसको आप झुग्गी बोलते हो, ये भी एक कुदरत की ही एक पहचान है और साथ में ये हमारी औकात की भी निशानी है। मैं कोशिश करूँगा और सबको भी हम बच्चों को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि बेटा जब आप नेचर को सामने रख के काम करते हो, नेचर आपको 10 times, 100 times, 1 lakh times वापस। पूछ भी रहा हूँ ये डॉक्टर मनमीत से कि कहा जाता है डॉक्टर मनमीत नीडर और बेखौफ बात करते हैं, किसी से डरते नहीं, उसका क्या रीज़न है? मैं संध्या जी, मैं इसमें क्लियर करना चाहूँ, दो प्रकार के लीडर हैं, एक पॉलिटिकल लीडर है और एक एकेडमिक लीडर है। यहाँ तक आप किस टाइप के लीडर? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल लीडर्स पे टिप्पणी ये नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो पॉलिटिक्स इसलिए करते हैं, उनके अपनी पार्टी के एजेंडे होते हैं, अपनी पर्सनल गेम्स होते हैं। जो अकेडमिशियन लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही बात होती है, जो वो यही हमारी जनरेशन है उसका फ्यूचर पर क्या है, उसमें ना वो हिंदू होती है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, बच्चे दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। हमारा ये सोचना है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूटी की या इंटरनेशनल पॉलिसीज, वो जो हमारे फ्यूचर्स ऑफ इंडिया या फ्यूचर ग्लोबली हैं उनको सामने रख के काम करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि हम तो सिर्फ जो हमारे भारत के आने वाले बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उनका फ्यूचर बेटर कैसे है, यही हमारे मन में एक बात है। डॉक्टर मनमीत, पूछना चाहेंगे जब भी कॉलेज से बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर मनमीत सिंह का क्या मैसेज रहता है अपने बच्चों के लिए? सुंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, आई एम प्राउड के हमारा कुछ ल्योडा में टॉप पे प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, यहाँ से बच्चे पढ़ के ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में कुछ बच्चियाँ, और काफ़ी बच्चियों, आप अगर राजस्थान, ऑल ओवर स्टेट्स की बात करें, काफ़ी बच्चे बच्चियों ने यहाँ से पढ़ के वो एक तो वहाँ जो अपना रोजगार का काम किया, और कोशिश ये किया कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करें। डॉक्टर मनमीत से जानना चाहेंगे कि वो सोसाइटी को एक पॉजिटिव कौन सा एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? मेरी, हम भारतीय लोग, जो कहा गया है कि ये हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है, एक गुरुकुल की बात की है, हम सब भारतीय मिलके अपने मन में ये कहें कि मनमीत सिंह तू भारतीय है, तू कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है इस सोसाइटी में, तो इस दुनिया में पैदा हुआ और क्या दे के जा रहा है। हम ये ना सोचें कि भारत हमें क्या दे रहा है या ये दुनिया हमें क्या दे रही है, हम ये सोचें कि मैं अपने भारत के लिए क्या कंट्रीब्यूट करूं। अगर 140 करोड़ लोग पॉजिटिव हो के ये सोचें कि ये मेरा भारत है, ये मेरा पूरा विश्व है, इसमें मैं कंट्रीब्यूट करूं, तो मुझे लगता है जो 140 करोड़ पॉजिटिव हो जाए तो भारत एक ग्लोबल लीडर, यहाँ बात भी हो रही है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, आगे पूरी सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी, तो मुझे लगता है भारत उसमें श्रेष्ठ होगा। और मैं जितने भी बच्चे हैं उनको एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को अपडेट करो, अपनी नॉलेज को अपडेट करो और लाइफ को सेलिब्रेट करो, दुनिया की कोई ताकत आपको पिछाड़ नहीं सकती। क्या बात है, इतनी अच्छी शख्सियत से मिलने का मौका मिला, इनके विचार सुनने का मौका मिला और बहुत सारे मैसेजेस इन्होंने सोसाइटी को दिए। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ लेते हैं इजाज़त, फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय डुगर, जय डुगर। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।